खामोशिया बेचैनिया नादानिया। चंद्रनीमा जी स्वामी। ये क्या, ड्रीम सीक्वेंस में भी यही घर? क्षमा चाहती हूँ स्वामी, बजट नहीं था। चंद्रनीमा। आदेश स्वामी। बस करो, कहीं अंगूर खिलाते खिलाते तुम्हारी नाजुक कलाई में बल ना पड़ जाए। स्वामी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। यदि आपकी सेवा करते करते मेरे प्राण भी चले जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। तथास्तु स्वामी। ये क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? तुम कौन हो वत्स? ड्रीम सीक्वेंस में हूँ तो मैं भी तो कोई भगवान ही होऊंगा ना। और भाई, तुमने ये हाथ छाप पार्टी से कुछ पैसे लिए हुए हैं क्या, जो उनका प्रचार कर रहे हो सपने में भी? पैसे कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे? किसका पैसा? पार्टी के पैसे? अबे यार, सपने में भी कंफ्यूज कर रहे हो। बाहर आओ इस ड्रीम सीक्वेंस से भाई, उठो उठो। ओ भाई उठो। अबे भरी दोपहर में क्यों सो रहे हो यार? भाई बहुत काम बचा यार, उठ जाओ। बोलो बालक, हमें क्यों बुलाया? बालक गया तेल लेने। ये क्या, हाथ छाप पार्टी से पैसे खाए क्या, जो सपने में उनका प्रचार कर रहे हो? उत्तम, अति उत्तम। तुम तो ऐसे ही पैसा पैसा जप रहे हो जैसे हमारे स्वप्न में जप रहे थे। भाई वो तो मैं स्वर्ग में जाकर भी जपूंगा मरने के बाद। पैसा 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 पैसा। नहीं पुत्र, क्यों पैसे पैसे करते हो, क्यों पैसे पे यूं मरते हो? एक बात बता दो मुझे, तुम इस भगवान से क्यों नहीं डरते हो? हे भगवान, अबे अपना ये हिंदी शब्द कोश बंद करो और चलती फिरती भाषा में बात करो। अगर भाभी को ये पता लग गया ना तो तुम्हें चलता फिरता कर देगी यहाँ से। नहीं पप्पू, आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है यार, मुझे सोना है। भाई अगर भाभी ने सुन ली ना ये बात तो तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। नहीं पप्पू, सुलाएगी नहीं, खिलाएगी, वो भी अपने हाथों से अंगूर। सपने में? हाँ सपने में। चंदू मुझसे कह भी रही थी कि मेरी सेवा करना उसका धर्म है। फिर तो पक्का सपना ही था भाई। पप्पू चाहे थोड़े ही दिनों के लिए सही, मैं चाहता हूँ कि चंदू एक आदर्श भारतीय नारी की तरह अपने पति परमेश्वर की सेवा करे। ये लो। ओए शेख चिल्ली, भाभी बेवा वर्ड प्रेफर करेगी सेवा की जगह। और जाग जाओ अपने सपने से यार, अभी भाभी आ जाएगी ना तुम्हारा बैंड बजा देगी। मैं जा रहा हूँ बिजली का बिल जमा करने, मेरे आने तक सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। और कुंडी लगा लेना, चोरियां बहुत हो रही हैं। हैं? सपना देखते हैं पागल। पप्पू लगता है बिल्कुल सही कह रहा है, सपना चाहे दिन का हो या रात का, सपना तो सपना ही होता है रे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में एक बार ही सही, मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। पता नहीं मासी, घर का दरवाजा भी खोल के रखा हुआ है इन लोगों ने। अरे वो दोनों निकम्मे तुझे छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? हाँ, बैठे बैठे ठूसते रहते हैं, खा खा कर थक गए होंगे, आवारा गर्दी करने कहीं निकल गए होंगे। पता नहीं मासी। नंदू, पप्पू, नंदू। यार कोई भी नहीं है घर में मासी। अच्छा तू उनको छोड़, मेरी बात सुन, एक खुशखबरी है, बताओ। क्या मासी, इस उम्र में आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस उम्र में बच्चा? पागल कहीं की, अरे मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं होने वाला। अच्छा मैं कह रही थी कि मेरी नारी मुक्ति संघ की कल रैली है। जो लोग हम जैसे
ऐसी खूबसूरत लड़कियों को देखकर अपनी नजर बिगाड़ते हैं ना, ये रैली उनके लिए है। बहुत महीनों के बाद निकल रही है ये रैली, है ना खुशखबरी? तो आज रात मैं तेरे पास आ रही हूँ। मासी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जा नहीं, मेरे मूली के पराठे बनाकर रखना। हेलो, अरे ये क्या, अरे रब्बा जी, दोनों निकम्मे निठल्ले। नंदू पप्पू, बर्तन साफ करने, घर की साफ सफाई करनी है, कहाँ मर गए दोनों के दोनों। पप्पू, नंदू, आ चंदू। नंदू तुम रुको। आ चंदू। नंदू, सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहाँ पर। नंदू, नंदू, ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या बताऊँ चंदू, एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी, सामने से ट्रक आ रहा था, तो बस उसी को बचाने में। तुम ट्रक को क्यों बचा रहे थे? अरे मैं ट्रक को नहीं बचा रहा था, औरत को, बूढ़ी औरत को बचा रहा था। अच्छा अच्छा। बस उसी में ये थोड़ी सी चोट आ गई। बूढ़ी सी? नंदू, हाथ में प्लास्टर, पैर में प्लास्टर, तो ज्यादा चोट किसे कहते हैं नंदू? ज्यादा चोट? चंदू अगर मैं ट्रक के नीचे आ जाता। प्लीज नंदू, ऐसे मरने की बातें मत किया करो। अगर तुम मर गए तो घर का सारा काम कौन करेगा? हाँ तो क्या हुआ, मैं मर गया तो पप्पू है ना सारा काम करने के लिए, उसी से करवा लेना। फिर वही बात, कहते हैं ना भगवान जोड़ियां बनाकर भेजता है, और तुम जोड़ी तोड़ने की बातें क्यों करते हो? जोड़ी? हाँ, तुम्हारी और पप्पू की परफेक्ट जोड़ी है, दोनों भाई मिलकर घर का बाहर का काम कितनी अच्छी तरह संभालते हैं। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना पप्पू को सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। वाह भाई, अपना सपना पूरा करने के लिए मेरी नींद हराम कर रहे हो। खामोशियां बेचैनियां रादानियां। ये पप्पू कहां मर गया, अब फोन क्यों नहीं उठा रहा? जब देखो आवारा गर्दी। पर और ट्राई करके देखती हूँ। ओहो, क्यों नहीं उठा रहा ये फोन? पप्पू का बच्चा कहीं का, इडियट कहीं का। नंदू, अरे नंदू, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अरे चंदू, वो बर्तन धोने थे ना। पागल हो गए हो, एक हाथ से बर्तन धोगे? हाँ हाँ, एक हाथ से कैसे बर्तन धोऊंगा चंदू, मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ। हाँ तुम बैठ कर टीवी देखो आराम से, मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बना लिया। आओ बैठो, तुम आराम से बैठ के टीवी देखो और ये सूप पियो। ये बात। और जब आराम करने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं कमरे तक पहुंचा दूंगी। चंदू तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी तो तुम जल्दी कैसे ठीक होगे? I love। और जल्दी ठीक नहीं होगे तो घर का सारा काम कौन करेगा? क्रिकेट। क्या? I love क्रिकेट। हाँ तो देखो ना क्रिकेट, आराम से बैठ के देखो। सूप भी पियो। मैं देखती हूँ ये पप्पू कहाँ मर गया। भाभी मैं आ गया। भाभी पप्पू, हाय हाय, ये क्या हो गया है तुझे? होनी। अरे जिसे तू टाल नहीं सका। हाँ भाई, वही होनी जिसे कोई नहीं टाल सकता। और पर हुआ क्या ये तो बता। भाभी वो मैं बिजली का बिल जमा करने गया था ना वहाँ पर। और तुझे बिजली का करंट लग गया? अरे नहीं भाई, करंट नहीं मारा, वहाँ पर मुझे कुछ गुंडे मिले। तो गुंडे भी अपने बिजली का बिल भरने आए थे? अरे भाभी मुझे कैसे पता होगा वो क्या करने गए थे, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। क्या किया? अरे भाई मार मार के हड्डियां तोड़ दी, मुंह सुजा दिया उन्होंने, मेरा हाथ तोड़ दिया। भाई
वो मुझसे भाभी के दिए हुए बिजली के पैसे छीनना चाहते थे, मैंने एक रुपया नहीं दिया उनको। ये बात। हाय रब्बा, इतना मारा उन लोगों ने? हाँ भाभी, कितना मारा, कहाँ कहाँ मारा, मैं कैसे बताऊँ। लेकिन भाभी, मैंने उनको एक रुपया भी नहीं दिया, मैंने बोल दिया उनको कि चाहे वो मुझे मार भी डाले लेकिन मैं अपनी भाभी की मेहनत की कमाई का एक रुपया नहीं दूंगा। हाय पप्पू, प्यार से मुस्कुरा के दे देता, कम से कम दवाइयों के 8,000 तो बच जाते। ये लो। अब घर का सारा काम कौन करेगा? अच्छे जी। तेरी आँख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है। बेख्वाबियाँ बेताबियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियाँ। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला। अरे चंदू, ये क्या कर रही हो? ये मेरा हाथ है और ये मॉप है, मैं अपने हाथों से मॉप लगा रही हूँ, घर में पोछे लगा रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चंदू, इधर से कुछ छोड़ दिया, ये भी साफ करूँ ना? आप चले जाइए वरना मैं आपको हमेशा के लिए साफ कर दूंगी। चले जाइए। साफ? लेकिन बेटा मैं तो साफ पानी से नहा के आया हूँ। अबे उसमें डूब क्यों नहीं जाते तुम यार, कम से कम दुनिया का भला तो हो जाएगा। भला वो तो करूंगा ना, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करके जाना चाहता हूँ जिससे मैं फेमस हो जाऊँ। अच्छा, तो मैडोना से शादी कर लो ना। हाँ जाओ। मैडोना से क्यों, अगर करूंगा तो लेडी गागा से करूंगा, और फिर हम दोनों हम उम्र भी हैं। लेकिन मैं शादी करके नहीं, कोई महान काम करके फेमस होना चाहता हूँ। जैसे? एक शातिर चोर जो चोरी करने खिड़की के रास्ते नहीं बल्कि सीना तान के दरवाजे से आता है, जिसे कोई भी दरवाजा रोक नहीं सकता, जिस चोर का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, उस चोर से रहे सावधान। जिसे 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसे मैं पकड़ूंगा और पकड़ के कोर्ट में सीधा खड़ा करूंगा। अबे खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे, उसको क्या खड़ा करोगे, इतने बड़े हो गए तुम्हें अभी तक चलना नहीं आया? क्यों नहीं चला जाता, चल सकता हूँ ना। अच्छा आप चल सकते हैं, तो जरा बाहर दरवाजे तक चल के दिखाना प्लीज। हाँ हाँ देखो। हाँ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, निकलिए 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 जल्दी। पता नहीं ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही। ले, फोन ही बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। हाँ भाई, भाई मियामी वाला शो। हाँ ना रोक पाए कोई ताला, जब चोरी करने आया काला अपने जीजा का साला। तुम्हारा ही इंतजार था, इसलिए मैंने इस बात को हर जगह फैला रखा था कि इस घर में बहुत सोना है। अब आया ये मेरे जाल में ये चोर, मैं इसको पकड़ूंगा। 11 मुल्कों में
मुझ जैसा गबरू जवान और कौन हो सकता है? चंदू चंदू चोर है चोर चलो पहले झाड़ू लू पहले झाड़ू लू मैं वो बॉटल लेती हूँ ये लो दो दो पक्का चोर है हाँ चलो आगे यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो पानी पीने आया था भाई। चोर है, चोर, चोर, चोर। ये चांदनी भी ना नंदू और पप्पू की तरह कामचोर और निकम्मी होती जा रही है। हाँ, एक तो अपना फोन बंद रखा है और कोई मुझे स्टेशन पर भी नहीं लेने आया। दरवाजा खुला है। हाय रब्बा, इतना अंधेरा। अरे स्यापा, कोई चोर तो नहीं? मारा तो इस चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। मर गया मैं। अरे भगवान अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे मैं चोर को पकड़ने आया था यार। पर चोर है कहाँ? ये रहा। क्या? मैं तुम्हें चोर नजर आती हूँ? रियली? और तुम लोगों ने ये क्या ड्रामा कंपनी खोल रखी है? ये प्लास्टर लगा के? भाभी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा। हाँ चंदू, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जरा मुझे बिठा दो। कुछ देर बाद दोनों नहीं चल पाओगे। तुम दोनों ने मुझसे झूठ कहा, अब तो मैं तुम दोनों की हड्डियाँ तोड़ के रहूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम क्या क्या समझते हो तुम अपने आप को? हैं? अब तो मैं तुम दोनों की हड्डियाँ तोड़ के रहूंगी। तुम तो रुकी जाओ, तो छोड़ोगी नहीं, मैं तोड़ के रहूंगी तुम। अरे क्या कर रही हो? हड्डियाँ तोड़ के रहूंगी। जी ये आपके लिए। ना रोक पाए कोई ताला जब चोरी करने आया काला अपने जीजा का साला। अरे तुम्हारा साला है? हिम्मत कैसे हुई? आंटी जी चुप, मैं इस चोर से पूछ रही हूँ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है? जी आपने मुझ पर भरोसा किया ही क्यों? शट अप,
मैं तुमसे नहीं नंदू से बात कर रही हूँ। ये भरोसे के लायक नहीं है। हैं? अबे झिंगूर, मैंने तुम्हारा भरोसा कब तोड़ा? अरे चुप! मैं चोर से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, ये एक्सीडेंट, ये प्लास्टर, ये सब तुम्हारा ही आइडिया है। जी, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, तो आइडिया कैसे दे सकता हूँ? अरे चुप, तू फिर बीच में टप्पू पड़ा। मैं इस खोते पप्पू से बात कर रही हूँ। एक मिनट, आप लोग पहले डिसाइड कर लो कौन किसके साथ बात कर रहा है, कौन किसको डांट रहा है। उसे चीटिंग नहीं चले गया? चुप करो, चुप करो, फिर बीच में बोले। पहले तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूं, बाद में इन दोनों को देखती हूँ। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ।